गुड मॉर्निंग क्लास 10, वेलकम बैक। सो हम चैप्टर 3 में थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो टुडे वी डिस्कस कि हाउ टू रिड्यूस सर्टेन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स एंड हाउ टू सॉल्व देम। लाइक हियर वी हैव ए पेयर 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट y इक्वल टू 2, 4 upon under root x minus 9 upon under root y equal to minus 1. We have to solve it for x and y. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? Let 1 upon under root x equal to a and 1 upon under root y equal to b. मान लिया अपन ने, तो हमारा पेयर क्या बनेगा? 2a plus 3b equal to 2 और 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 1 पेयर बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे a और b के लिए। a और b की वैल्यूज से अपने पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो a को कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पेयर क्या बन जाएगा? 4a plus 6b इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन एज इट इज, 4a minus 9b इक्वल टू माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट साइन चेंज, प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, 6b एंड 9b, 15b, 4 और 1, 5, 15b इक्वल टू 5, सो b इक्वल टू 5 अपॉन 15, दैट इज 1/3, b की वैल्यू आ गई। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, a की वैल्यू निकालते हैं, 2a प्लस b कितना है 1/3, 3 into 1/3 is 3, equal to 2, 2a equal to minus 1, 2a equal to minus 1, a equal to minus 1/2, a और b की वैल्यूज आ गई। अब a क्या है? 1 upon under root x, 1 upon under root x equal to minus 1 upon 2, this implies reciprocal करने पे under root x equal to minus 2, दोनों तरफ square कर दो, x equal to 4, x की वैल्यू आ गई। ऐसे b, b कितना है? 1 upon 3, what is b? 1 upon under root y, 1 upon under root y equal to 1 upon 3, reciprocal करते हैं, under root y equal to 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, y equal to 9, got the values of x and y, इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना? So these are the equations which can be reduced into the form of pair of linear equations in two variables. ओके, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लिया अपन ने, क्या है वैल्यू? x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9, उसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पेयर पे आते हैं, फाइव अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? लेट 1 upon x minus 1 equal to a and 1 upon y minus 2 equal to b, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पेयर हमारा क्या बनेगा? 5a plus b equal to 2, सेकेंड इक्वेशन, 6a minus 3b equal to 1। अब a के कोफिशिएंट्स इक्वलाइज करने के लिए 6 और 5 का एलसीएम 30, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई, बड़ा हो जाएगा। अगर मुझे b के कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज करना है, तो सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15a plus 3b equal to 6, फर्स्ट इक्वेशन को अपने 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एज इट इज कुछ नहीं करेंगे, 6a minus 3b equal to 1। अब दोनों में b के कोफिशिएंट सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करता, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ऐड करने से पॉजिटिव 3b नेगेटिव 3b कैंसिल, 15a और 6a 21a इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो a इक्वल टू 1/3, a की वैल्यू आ गई। किसी भी इक्वेशन में रख दे, चलो सेकंड में रख देते, ज्यादा सिंपल हो जाएगा, a की जगह 1/3, 3 गोस 2 टाइम्स, 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, सो माइनस 3b इक्वल टू 2, वहां जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो b इक्वल टू 1/3, a और b की वैल्यूज आ गई। a क्या है? 1 अपॉन x माइनस 1
इक्वल टू 1 बाई थ्री, रेसिप्रोकल करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, b है 1 बाई थ्री और b हमने किसको सपोज किया है 1 अपॉन y माइनस 2, 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू b की वैल्यू भी 1 अपॉन 3, सो रेसिप्रोकल करने पे y माइनस 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, आ गया आपके पास सॉल्यूशन। तो यहां पे x कितना आया 4, y कितना आया 5, ओके। थर्ड पे प्रश्न है, थर्ड पे 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू 3 बाई 4, 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू b। तो हमारे इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 3 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। सेकेंड ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3x प्लस y हो गया a, तो 1 अपॉन 2 इंटू a या दिस a बाई 2 माइनस b बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। इस 8 को यहां ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू a बाई 2 4a, 8 इंटू माइनस b बाई 2 माइनस 4b इक्वल टू यहां बचेगा माइनस 1। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन a और b के लिए सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो b अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। 4a प्लस 4a 8a प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल, 3 माइनस 1 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 4। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो पहले वाले इक्वेशन में रख दिया अपने, a की जगह 1 बाई 4, 1 बाई 4 इंटू 4 इज 1, 1 प्लस 4b, 1 प्लस 4b इक्वल टू 3, तो 1 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 4b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 बाई 2, a और b की वैल्यू आ गई। अब a क्या है, 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू a, a मींस 1 बाई 4, रेसिप्रोकल करते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 4। दूसरा b कितना है 1 बाई 2, b किसको माना आपने 1 अपॉन 3x माइनस y, 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू b कितना 1 बाई 2, लेट्स गो फॉर द रेसिप्रोकल 3x माइनस y इक्वल टू हाउ मच 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करो सिंपल पॉजिटिव y नेगेटिव y कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, इस पर रख दिया तो 3, 3 प्लस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1, सो यू गॉट द सॉल्यूशन x1 y1, ओके। अगले इक्वेशन में चलते हैं, नाउ 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, क्या करो LHS और RHS को XY से अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों LHS और RHS को XY से डिवाइड करते हैं, यहां भी XY से डिवाइड करते हैं, तो 6x अपॉन XY x कैंसिल, 6 अपॉन y, 3y अपॉन XY 3 अपॉन x इक्वल टू XY XY कैंसिल 6, 2x अपॉन XY 2 अपॉन y, 4y upon x, 5, y cancel 4 upon x, equal to 5, right? ये form आ गया, तो यहाँ क्या करो, let 1 upon x equal to a, and 1 upon y equal to b, 1 upon x को a मानो, तो 3a plus 6b, equal to how much? 6,
दूसरा इक्वेशन वन अपॉन एक्स को ए माना, फोर ए प्लस टू बी, फोर ए प्लस टू बी इक्वल टू फाइव। अगर ए के कोफिशिएंट इक्वलाइज करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, सेकंड को थ्री से। इतना ज्यादा करने से बेटर हम बी के कोफिशिएंट इक्वलाइज कर लेते हैं। नथिंग टू डू विद द इक्वेशन नंबर वन, बट इक्वेशन टू कैन बी मल्टीप्लाइड बाय थ्री। सो पहला एज इट इज थ्री ए प्लस सिक्स बी इक्वल टू सिक्स, इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वेल्व ए प्लस सिक्स बी इक्वल टू फिफ्टीन। नाउ बी के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस सिक्स बी माइनस सिक्स बी कैंसिल, थ्री ए माइनस टू ए माइनस नाइन ए, सिक्स माइनस फिफ्टीन माइनस सेवन, सिक्स माइनस फिफ्टीन इज माइनस सेवन, सॉरी सिक्स माइनस फिफ्टीन इज माइनस नाइन। नाउ माइनस नाइन ए इक्वल टू माइनस नाइन, ए इक्वल टू वन, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चलो यहां रख दिया अपन ने ए, थ्री थ्री प्लस सिक्स बी इक्वल टू सिक्स, सिक्स बी इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू वन बाई टू, बी की वैल्यू आ गई। अब ए क्या है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, रेसिप्रोकल करते हैं एक्स इक्वल टू वन। बी क्या है, वन अपॉन वाई, सो वन अपॉन वाई इक्वल टू वन बाई टू, रेसिप्रोकल वाई इक्वल टू टू। सो द सोल्यूशन इज एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू। आई होप यू गॉट इट। सो दीज आर सर्टेन इक्वेशंस विच शुड बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चिल्ड्रन ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, कम अप विद एज मेनी डाउट्स एज यू कैन, एंड ऑल्सो स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर्स दैट यू हैव इन योर टेस्ट विच इज शेड्यूल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। इवन इफ यू हैव डाउट फ्रॉम दोज टॉपिक्स, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस।